अच्छा, आज की वीडियो में हम एक कमाल ड्रॉइंग पे बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वालों को सबसे ज्यादा जॉब मिल रही है। जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर ले रहा उसको बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है और वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जॉब पा सकता है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे तो ही जॉब लगेगी, किसी और बोर्ड से पढ़ेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा एक मिथ है। और लेकिन हाँ, अगर रेशियो देखोगे आप जॉब अपॉर्चुनिटी की या जॉब लेने वालों की, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट ज़्यादा जॉब है प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए। गवर्नमेंट इंडस्ट्री को तो छोड़ दिया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँगा, अगर आप डीएसएसबी, केवीएस, सुपर टेट, एनवीएस, एपीएस की तैयारी कर रहे हो तो अन अकेडमी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और अगर आप लोग जो मेरा कोड है करियर 10 वो यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ अप्रैल 25 से 28 तक वैलिड है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अन अकेडमी, उनके लिए भी 20% का डिस्काउंट लेगा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो 12 महीने और 6 महीने के सब्सक्रिप्शन आपको कितने का मिल रहा है। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन को ले सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी एक कमाल का आप लोगों के लिए अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल लेकर के आया है, जिसमें आप 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन है और 299 रुपीज़ में है जो लोग नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपको? 299 रुपीज़ नथिंग है, 299 रुपीज़। इसमें लाइव क्लासेस भी टॉप एजुकेटर है, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, गाइडेंस फॉर सीबीएसई प्रिपरेशन है, पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग है। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना वो जा करके ले सकते हैं। उसके अलावा 45 डेज सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के लिए, क्लास 8 से लेकर 12 तक की जर्नी है और ये अप्रैल 23 से लेकर 30 तक का वैलिड है। और इसमें भी जो टॉप एजुकेटर उनके गाइडेंस में हुआ, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, गाइडेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन होगा, पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग होगा। उसके अलावा एक और ऑफर इसी क्रम में है, 45 डेज जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन है 299 रुपीज़ में और इसमें भी टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में मिलेगा, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, उसका सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन है, पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग है। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है आपको मैं बता दूं, जो मेरा कोड है करियर 10 उसको यूज करके ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बार जाकर के आप लोग जरूर देखो। बहुत ही कमाल का फेस्टिव ऑफर है, जिन लोगों को तैयारी कर रहे हैं ले करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। तो जाइए आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप जहां पे भी शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्री में यूपी बोर्ड वालों का दबदबा है एक तरह से आप कह लो, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड वाले सबसे ज्यादा जॉब लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों को क्यों सबसे ज्यादा जॉब मिलता है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो बात होती है प्राइवेट इंडस्ट्री में ना, वो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। और प्राइवेट इंडस्ट्री जो है ना, काम थोड़ा सा कम आता हो, नॉलेज थोड़ा सा कम हो तब भी चल जाता, लेकिन इंग्लिश अगर थोड़ा सा कम हो ना तो वहाँ पे नहीं चल पाता। बहुत सारे ऐसे सीईओ को मैंने इंटरव्यू करते हुए देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि अरे यार चलो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कम है, सीख लेगा, विल टेक टाइम, ऑब्वियसली अपग्रेड करेगा, बट अगर कम्युनिकेशन स्किल या इंग्लिश बोलने अच्छे से नहीं आता तो वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं बंदे, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन होता आई थिंक ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर बोर्ड वाले नहीं जॉब ले सकते, अदर बोर्ड वाले को लिए भी अपॉर्चुनिटी है और अदर बोर्ड वाले भी ऑब्वियसली ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाना चाहिए। तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो ना तो मेहनत से पढ़ो, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में, 10th, 12th, किसी भी क्लास में हो, थोड़ा मेहनत से पढ़ाई करो। मेहनत से जब पढ़ाई करोगे तो अच्छा नंबर लेकर के आओगे, अच्छे नंबर के साथ साथ आप अपनी स्किल पे भी काम करो। देखो जब स्टार्टिंग का फेज होता है ना, हम लोग जब छोटे थे तो उतना इंटरनेट का जमाना नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, हमें चीजों को इतनी समझ नहीं थी, हमें तो बुक में रट्टा मरा दिया जाता था, रट्टा मार लो, फॉर्मूले याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस रट्टा मार करके पढ़ाई करवाया जाता था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था उतना। लेकिन अभी के टाइम में जो है डिजिटल दुनिया हो चुकी है, घर बैठे आप सीबीएसई बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर सकते हो। देखो अब के टाइम में क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ सीखो, बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जब टेक्नोलॉजी को आप सीखोगे, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं होगे, चीज़ें सीखोगे नहीं, जब हमारी ये एज होती है, उम्र होती है, बहुत छोटी सी उम्र होती है ये, इस उम्र में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, इतनी सारी चीज़ें हम सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम मस्ती में गुजार देते हैं, मान लो कि हम मस्ती करते रहते हैं और ऑब्वियसली
भी कहते हैं कि ठीक है नंबर आ जाएंगे, हम कर लेंगे, ये है वो, तो टाइम बीतता जाता है, और जब वक्त बीत जाता है तो फिर पछताने से आपको कुछ नहीं होगा। फिर आप वही कहोगे अरे यार जॉब नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप एक्सक्यूजेस दोगे। तो एक्सक्यूज ना देने से बेटर है कि लाइफ में ग्रेजुअली आप इंक्रीज करो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा डोज एक दिन में ही ले लो, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, पर डे टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो और धीरे धीरे पढ़ाई करो। ऑब्वियसली उसके बाद फिर आप लोगों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जॉब के लिए भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। गूगल जैसी कंपनियाँ, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ, वेप्रो, SCL, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप उस लेवल पर पहुँचो तो सही, जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुँचोगे तो कैसे अपने आप को अपग्रेड करोगे। जब आप उस लेवल पर पहुँच जाओगे तो ऑब्वियसली आपके लिए वहाँ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात है उस लेवल पे पहुंचना, और उस लेवल पे पहुंच के अपने आप को जस्टिफाई करना। जस्टिफाई करना भी बहुत जरूरी है, जस्टिफाई इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में, कि आपको जॉब मिल रही है या आप अपने करियर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी चीज में पॉजिटिव वे में लेकर के जा रहे हो, तो जाकर के जस्टिफिकेशन होगा। वरना लाइफ आपसे क्वेश्चन मार्क करती रहेगी कि काश मैंने ये कर लिया होता तो ये होता, काश मैंने ये कर लिया होता तो वो होता। उन सारे काश का आंसर है कि हाँ कर लो, अभी कर लो, अभी आपकी उम्र कम है, टाइम आपके पास है। एक टाइम आएगा कि जब आप कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं। तो बस वीडियो में इतना ही, और जो लोग भी टेलीग्राम पे हो, करेडर चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, एक बार जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।